हरियाणा के रादौर के पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा शनिवार को इनेलो पार्टी में शामिल हो गए। इनेलो पार्टी की ओर से सेक्टर 9 चंडीगढ़ में विधायक अभय सिंह चौटाला के निवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री व पार्टी प्रमुख चौधरी ओम प्रकाश चौटाला व विधायक अभय सिंह चौटाला की उपस्थिति में पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इनेलो पार्टी का दामन थामा है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। इससे पहले पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने चंडीगढ़ रवाना होने से पहले रादौर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा व कांग्रेस दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों दलों ने अपनी सरकारों में कृषि संबंधी बिलों का समर्थन किया था। सत्ता से बाहर रहते हुए दोनों दल इसका विरोध करते हैं और सत्ता में आने पर इसका समर्थन करते हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों दल आपस में मिलकर किसानों को गुमराह कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, लेकिन चौधरी देवी की इनेलो पार्टी हमेशा से किसानों, मजदूरों, दुकानदारों व व्यापारियों के हितों की लड़ाई लड़ती आ रही है, जिसमें उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया है। वह पार्टी से जुड़कर किसानों, मजदूरों, दुकानदारों व आम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। देश में केवल इनेलो पार्टी ही किसानों के हितों की लड़ाई लड़ रही है, बाकी दल केवल किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा देश व प्रदेश के किसानों की अनदेखी कर उन पर कृषि संबंधी 3 अध्यादेश थोप कर किसानों को बर्बाद करने का काम किया गया है। वह किसान के बेटे हैं और पूरी तरह से किसानों के साथ है और उनकी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानून को किसान हितों के विरुद्ध बताया है। श्याम सिंह राणा ने इससे पहले केंद्र के कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए गत 30 सितंबर को भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। वह वर्ष 2007 से 2020 तक भाजपा में रहे। वर्ष 2009 में उन्होंने रादौर में भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ा था और हार गए थे, लेकिन 2014 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते और पार्टी की सरकार मुख्य संसदीय सचिव पद पर रहे। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने उनका टिकट काटकर करणदेव कांबोज को दे दिया, लेकिन वह चुनाव हार गए। कांबोज की हार के बाद राणा पर पार्टी में भीतर घात के भी आरोप लगे हैं। पार्टियों में रह करके किसानों की लड़ाई को लड़ने का काम किया और अब जब फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने ये 3 अध्यादेश ला करके जो बिल का एक रूप दे करके कानून बना करके किसान को कैसे उसकी जमीन से बेदखल किया जाए, कैसे किसान को और कमजोर बनाया जाए, मजदूर लेबर बनाने का काम किया जाए, जब ये बिल आए थे तो उसका इन्होंने अपनी तरफ से किसानों के बीच में खड़े होकर के भाजपा की सरकार को इस बात के लिए एहसास करवाया था कि आप गलत फैसला कर रहे हो, लेकिन भाजपा की केंद्र की सरकार ने जब किसान की बात को अनसुना किया तो राणा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके उसी वक्त इस बात का फैसला ले लिया था कि जो किसान का विरोध करने वाली सरकार है, जो किसान को कमजोर करने वाली सरकार है, जो किसान की भूमि छीनने वाली सरकार है, हम उसको उस सरकार से मैं अपने आप को अलग कर रहा हूं। और आज क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है और चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा किसान के हित के, किसान कैसे मजबूत हो, गरीब कमजोर आदमी कैसे जमीनी स्तर से ऊपर उठ सके, कैसे उसको राजनीति में उसका हिस्सा मिल सके, उन्होंने हमेशा इस बात को लेकर के लोगों के बीच में रह करके बड़े बड़े पदों को त्याग करके किसान को मजबूत बनाने का काम किया। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में आज विश्वास व्यक्त करते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में राणा साहब आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अकेले नहीं, हजारों साथियों के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मजबूरी है, आज कोरोना का काल है और इसमें आप ज्यादा बड़ी संख्या में इकट्ठा नहीं हो सकते, सोशल डिस्टेंस का रखना बहुत जरूरी है,
आज इनके साथ हजारों साथियों ने आना था, लेकिन हमने इस कोरोना की वजह से इनसे आग्रह किया कि आप अपने मुख्य मुख्य जो साथी हैं उन सबको लेकर के आए। आज भी आपके सामने सारे जो है अलग अलग गांव से जो गांव के मौजूद आदमी हैं वो भी सारे आज इनके साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी के नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को चौटाला साहब के नेतृत्व में ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं राणा साहब से कहूँगा कि वो समय में ही आपको सारी बात आपसे समझा करें, और उसके साथ एक बात जरूर कहना चाहूँगा, बड़ौदा का उपचुनाव है और इस उपचुनाव के अंदर किस तरह से सत्ता में बैठे लोगों ने जो आचार संहिता लागू हो जाती है उसके बाद कोई भी सरकार ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकती जिसकी वजह से लोगों को प्रभावित किया जा सके, और ख़ास करके जिस एरिया में जहां इलेक्शन हो रहा है, अगर कहीं स्टेट में हो तो फिर तो पूरे स्टेट में आचार संहिता होती है, लेकिन अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी एक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो तो फिर उस डिस्ट्रिक्ट में पूरे में आचार संहिता लागू होती है, और आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी मशीनरी का अगर सरकार कहीं दुरुपयोग करती है तो फिर सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है। एक तरफ तो बारी बारी से आचार संहिता को लेकर के इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ी बड़ी हिदायतें जारी की जाती हैं, और दूसरी तरफ सत्ता में बैठे लोग जो है वो किस तरह से इसका उल्लंघन करने का काम है करते हैं। उदाहरण आपके सामने, आचार संहिता लागू होने के बाद चीफ मिनिस्टर अपने काफिले के साथ गुहाना में गए और गुहाना में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए थे, वो भी आचार संहिता का एक बड़ा उल्लंघन है। ये ठीक है कि चीफ मिनिस्टर के साथ सिक्योरिटी जा सकती है, लेकिन चीफ मिनिस्टर सरकारी मशीनरी लेकर के उस विधानसभा क्षेत्र या उस इलाके में नहीं जा सकता जहां आचार संहिता लगी हो। इसी तरीके से इनके मिनिस्टर्स ने एक ट्रैक्टर रैली निकालने का काम किया जिसकी कोई परमिशन नहीं थी, बिना परमिशन के, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद अगर कोई भी पार्टी किसी भी तरह का इस तरह का आयोजन करती है तो फिर उसके खर्चे उसके खाते में दिखाए जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इन्होंने उल्लंघन किया। और उसके बावजूद भी सबसे बड़ी जो आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई, ये जो 15 इन्होंने जो चेयरमैन बनाए जिनमें एक चेयरमैन खरखोदा का पवन जो है उसको भी बनाया गया, पूरे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आचार संहिता लागू है, उसको लाभ का पद दे करके कहीं उसकी कम्युनिटी को मतदाता को प्रभावित करने के लिए इन्होंने आचार संहिता की धज्जियों को उड़ाने का काम किया। हम अपनी तरफ से लिखित में तो इलेक्शन कमीशन को भेज ही रहे हैं कि सरकार के खिलाफ एक्शन हो, बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसका नॉमिनेशन रद्द किया जाए, और ऐसे निर्णयों पे प्रतिबंध लगा करके तुरंत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। इसके साथ साथ इस चुनाव में किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने लगातार एक नौटंकी करी, लगातार ये कहते रहे कि हम अपनी टिकट का फैसला 15 तारीख की रात को करेंगे, या 15 को जिस तरह से उसको डॉक्टर नरवाल को ये कहा गया बारी बारी से भी तेरा टिकट का फैसला शाम को होगा, रात तेरे को हम टिकट दे देंगे, ना केवल नरवाल की आंखों में धूल झोंकी गई बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को स्वयं को भी इस बात का पता नहीं था कि टिकट तो अलॉट 14 तारीख को कर दी गई थी। ये वो दस्तावेज है जो आपके पास होंगे, मेरे ख्याल नहीं है तो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें शैलजा ने 14 तारीख को जो इंदुराज नरवाल जिसको टिकट दी गई है इसको 14 तारीख को ही टिकट अलॉट कर दी गई थी, जिसपे शैलजा जी के दस्तखत हैं, और 14 तारीख को उनके नाम के साथ इस टिकट की अलॉटमेंट उनको दे दी गई थी। ये तो केवल लोगों को भ्रम में डाल रहे थे, और कहीं ऐसा ना हो कि नरवाल किसी और किसी राजनीतिक दल में जा करके अपनी कल टिकट ले ले, उसके लिए
भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी, जो आदमी अपने आप को ये कहता है कि हरियाणा की कांग्रेस तो मेरे इर्द गिर्द घूमती है, उसकी हालत ऐसी कर दी इस कांग्रेस पार्टी ने, उसको इस तरह से इग्नोर किया हुआ था कि उसको भी किसी बात की जानकारी नहीं थी। अब मैं राणा साहब से कहूंगा कि वो आपके खुद रूबरू होंगे, क्योंकि आपने भी, चीफ मिनिस्टर ने भी आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रखी है, आप शायद उसमें भी जाएंगे, तो उससे पहले एक दफा राणा साहब से कहूंगा कि वो खुद आपके रूबरू हों। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, आदर के योग भाई अभय सिंह जी, जो विपक्ष के नेता रहे विधानसभा में पिछले उसमें सत्र में, और हमारे साथ काफ़ी मित्रता पारिवारिक है चौधरी देवीलाल जी के समय से, और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल शामिल हो रहा हूं, और ऐसे समय में शामिल होने का जो अवसर है वो आप भी जानते हैं कि प्रदेश में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन और जो अध्यादेश पास किए केंद्र सरकार ने, वो अपने आप में एक समय इनका विरोध कर रही थी ये पार्टी, अब इनका समर्थन कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी, जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, वो इस अध्यादेश को लेके आए थे और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती थी। बहन सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता थी, उसने डटकर इसका विरोध किया, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है, आज उसका वो समर्थन कर रही है और कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। लेकिन दोनों नेशनल पार्टियों ने इसका विरोध भी कर दिया, इसका समर्थन भी कर दिया। आज देश में हमें वो बात याद आती है चौधरी देवीलाल जी की, जब लोकसभा के अंदर किसानों के समर्थक बहुत सारे नेता सांसद हुआ करते थे और किसानों की हर समस्या का समाधान करने के लिए लोकसभा में आवाज उठाते थे। आज हम समझते हैं किसानों के समर्थक इंडियन नेशनल लोकदल सरकार डटकर किसानों का समर्थन कर रही है, इसलिए मेरा जो त्याग पत्र था वो इसी बात पे था भी किसानों की मदद होनी चाहिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.